हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट अस डू वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स। टुडे सब्जेक्ट इज सोशल साइंस। आज का बच्चा आपका टॉपिक रहेगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण, ठीक है, जो हमारे आसपास है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने क्या किया, स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। तो जो एक एक मात्र जो प्ले ग्राउंड था उसके स्कूल के पास, वो क्या था, खुदाई हो चुकी थी वहाँ पे। People said that a huge building with many flats will be constructed there. तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, विशाल का बिल्डिंग, फ्लैट्स, जो जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है उसका। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, ठीक है। वेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। जब उसको पता चला कि प्ले ग्राउंड और उसकी सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स वहाँ पर जो लगे हुए थे, बटरफ्लाइज जो वहाँ आती थी, वो सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसका बिल्कुल बहुत ही मूड ऑफ हो गया, वो रोने वाला जैसा हो गया। ओके, ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपनी फीलिंग को क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, असेंबली के टाइम पर, प्रेयर के टाइम पर प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया और कहा, सी हाउ आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, देखो हमारा एनवायरमेंट, हमारा वातावरण कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि ने अपनी टीचर से पूछा, वॉट इज एनवायरमेंट, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेट द टीचर। टीचर ने क्या कहा, जो भी चीज़ आप अपने आस पास देखते हो वो सभी एनवायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, तो उसने जरा ध्यान से सोचा, That means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the part of environment. तो सभी कुछ क्या है, environment का part है इसका मतलब, है ना बच्चों? तो उसने सही सोचा, make a list of things which are available around you according to this table. तो आप देखिए, आपके घर के आसपास things available in your household, आपके घर के आसपास जो चीज़ें हैं आपको उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे प्लांट्स हो सकते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन, फ़ोन, बुक्स, ये सारी चीज़ें हैं। थिंग्स अवेलेबल नियर बाय योर होम, आपके घर के आसपास कौन सी चीज़ें होती हैं, ट्रीज, प्लेग्राउंड्स, बर्ड्स, ठीक है, बस स्टॉप, शॉप होती है ना। थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, स्कूल में क्या चीज़ें होती हैं, टेबल, चेयर, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन है आपके लिए, आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या सभी चीज़ें सेम टाइप की होती हैं? तो इसका आंसर है नो, ऑल थिंग्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे नो, ठीक है, नो ऑल थिंग्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप, राइट। तो नंबर नेक्स्ट चलते हैं, द प्लेस, पीपल, थिंग, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक और अबायोटिक में क्या डिफरेंस है। बायोटिक चीज़ें कौन सी होती हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बायोटिक चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक होती हैं द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड, जो ऐसी चीज़ें जो जीवित ना हो, जिनमें जान ना हो, उन्हें बोलेंगे अबायोटिक, ठीक है। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। तो ह्यूमन मेड फिनोमिना और नेचुरल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक क्या है, मिला के ही बनता है हमारा एनवायरमेंट। ओके, सो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, इस सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर ऑन द ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे हार्ड लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स,
मिनरल और रॉक से बनी हुई है ये, और कवर किससे है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, जिसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। किस फॉर्म में, जैसे कि माउंटेन्स, प्लाटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, है ना। सो लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पे भी होते हैं और कॉन्टिनेंट्स में भी होते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस, लिथोस्फेयर ही डोमेन है, सबका घर है, जो प्रोवाइड करता है क्या, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और मिनरल वेल्थ का भी ये सोर्स है क्या, लिथोस्फेयर, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मेंशन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में कौन सी चीजें आएंगी, जो जिंदा हैं, जीवित है ना, तो हम बोलेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर टू क्वेश्चन है, डिफाइन लिथोस्फेयर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने वर्ड्स में आपको डिफाइन करना है, तो आप बोल देना लिथोस्फेयर इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉयल, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो लिथोस्फीयर की डेफिनेशन, आप इसको अपने शब्दों में चेंज करके ऐसे लिख देंगे, राइट। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।